चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कि इंडिया और नेपाल के बीच किस चीज को लेकर विवाद चल रही है। आखिर नेपाल क्यों इंडिया को यहाँ से सड़क लिपु लेक तक सड़क क्यों नहीं बनाने दे रहा है, और साथ में जानेंगे नेपाल में ये खेसारी लाल यादव को लेकर क्यों ज्यादा हड़कंप मची हुई है, क्यों पूरा तोड़फाड़ चल रही है, और दूसरी बात खेसारी लाल को कैसे 2 करोड़ का यहाँ पर घाटा लगा है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका इतिहास थोड़ा समझ जाते हैं। देखो अभी नेपाल की वर्तमान में राजधानी का काठमांडू है, ये सब कोई जानता है। देखो यहाँ 2016 में केपी नाम का प्रधानमंत्री बना था, ठीक है ना, 2016 में। अब यहाँ इसका इतिहास समझो। सबसे पहली बात अभी किस चीज को लेकर विवाद चले इसको समझते हैं। ये बगल में यहाँ उत्तराखंड पड़ता है, और देखो यहाँ लिपुट यहाँ का उत्तराखंड में भी चुनाव प्रसार है, मतलब चुनाव को लेकर सब कोई प्रसार चल रहे, सब जगह प्रसार चल रही वहाँ पर। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आए और भाषण दे दिए। भाषण ये दिए कि भाई हम रोड बना दिए लिपु लेक तक जाने के लिए, अच्छा खासा रोड बनवा रहे चाहे बना दिए, ऐसा भाषण में बातें आ गई। यह बात चुभ गया किसके, नेपाली लोगों के। अब इसी चीज को लेकर हड़कंप मची हुई है। अब लिपु लेक क्या है भाई, तो लिपु लेक में शंकर जी का निवास स्थान है, वहीं पर रहते थे मानसरोवर में, ठीक है ना। तो वहीं पर मतलब हम लोग हिंदू धर्म में क्या ना इस चीज को लेकर ज्यादा मान्यता है, अब भगवान शंकर को ज्यादा मानदान करते हैं। तो यहां से यहां जाने वाला जो रास्ता था ना, इसको ये बोल रहे हैं, ये मोदी जी बोल रहे हैं कि यहां से यहां तक रास्ता एकदम क्लियर करवा दिया गया, अब आसान पड़ जाएगी। देखो इस लिपु लेक तक जाने के लिए 2 रास्ता है, पहले तो उत्तराखंड से आप होकर चल जाइए, अन्य तो यहाँ पर सिक्किम से होकर आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो भाई हई तो लंबा अब रास्ता हो गया, इसी कारण से शॉर्ट रास्ता यहाँ से ढूंढी गई है, ताकि उत्तराखंड से आप डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे, लिपु लेक तक, एकदम सिंपल हो जाएगा, मतलब बहुत कम खर्चा में और बहुत कम दूरी में आप पहुंच जाएंगे लिपु लेक। ये लिपु लेक क्या है, तो भाई देखो लिपु लेक को लेकर ही विवाद चल रही है। इंडिया बोल रहा है कि वो मेरा है, जबकि ये नेपाल बोल रहा है कि लिपु लेक हमारा है। इसी चीज को लेकर विवाद चल रही है, और सड़क बनाने नहीं दे रहा है। कौन नहीं बनाने दे रहा है, नेपाल। अब देखो यहाँ पर समझते हैं इसकी कुछ बातें। ये भाषण तो दे दिए मोदी जी, ठीक है ना, कि यहाँ तक रोड बनवा दिया गया है, ठीक है ना, आप आसानी से जा सकते हैं लिपु लेक तक। लेकिन समस्या यहाँ पर आ रही है कि लिपु लेक नेपाल बोल रहा है कि मेरा है, आपका नहीं है। देखो शुरू से हम लोग नेपाल और हिंदुस्तान के बीच कोई दरार मतलब नहीं चला, शुरू से भाई भाई के जैसे हम लोग रहे हैं, हिंदुस्तानी नेपाली सब क्या है, भाई भाई के जैसे है। लेकिन देखो यहाँ पर भी विवाद आ रही है, ये विवाद को लेकर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन इसको मसला सॉल्व कर दिए जाएंगे। देखो नेपाली की नक्शा देखिए, इतना बिहार से इसके दुगना तुगना बिहार है यार, इसका औकात क्या नेपाल की। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेपाल के लोग अभी अच्छे हैं, ऐसे नहीं खराब है। अभी हम लोग बॉर्डर को लेकर ज्यादा विवाद नहीं चलता है नेपाल में। अब इस चीज को समझिए ध्यान से, विस्तार से समझिए यहां पर कि यहाँ पर हम लोग समझते हैं 1816 में क्या हुआ था। पहले आप दिशा समझ लो बाबू, देखो इधर क्या होता है, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया, साउथ, ठीक है ना, ये दिशा समझो पहले, ठीक है। अब इस दिशा को हम लोग यहाँ पर हमने ईस्ट और वेस्ट से मतलब है, नॉर्थ साउथ से कोई मतलब नहीं है। देखो हुआ क्या था कि लगभग 1816 में सुगौली संधि हुआ था, 1816 में हिंदुस्तान और नेपाल के बीच क्या हुआ था, सुगौली संधि हुआ था 1816 में। अब लगभग 200 वर्ष से ज्यादा पुण्य जा रहा है। देखो ये सुगौली संधि हुआ था ना, यहाँ काला पानी एक नदी है, काला पानी नदी है। अब काला पानी नदी का मतलब क्या, यहाँ काला पानी सजा भी हुआ करता था। अब इस चीज को समझो ध्यान से, है काला पानी नदी है, तो यहाँ पर 1816 में सुगौली संधि में ये हुआ था कि काला पानी नदी के, काला पानी के नदी के पश्चिम वाला भाग किसका होगा, हिंदुस्तान का। इसके इसके अगर देख सकते हैं, अगर इसके पूर्व का देखेंगे तो इसके पूर्व का भाग कौन सा पड़ेगा, नेपाल का। तो इधर वाला भाग नेपाल का, इधर वाला भाग किसका, हिंदुस्तान का। अब इसी चीज को लेकर लगभग 2019 में भारत सरकार द्वारा एक नया मैप जारी कर दिया गया। नया मैप का मतलब नक्शा में यह दिखा दिया गया कि है, देखो है लिंपिया धुरा, इसको बोलेंगे लिंपिया धुरा, और ये आपका लिपु लेक, और ये काला पानी वाला जो क्षेत्र है ना, ये लगभग इंडिया में आ जाती है। जब ये नेपाल वाले देखे ना, तो भाई दिक्कत उनको लगा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2019 में वो भी मैप छाप दिया, और उन्होंने इसको पूरा दिखा दिया, लिपु लोग को, लिंपुआ को, काला पानी, ये सबको दिखा दिया कि मेरा क्षेत्र है, इसमें किसी को आने जाने का अलाउ नहीं है। ऐसा कौन, ऐसा नेपाल वाले। देखो 2016 में जो केपी है ना, उनको भड़काने का काम किया गया। देखो हिंदुस्तान नेपाल के बीच कोई विवाद नहीं चला अभी तक, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन इसको भड़काने तोड़ने में नेतवन लोगों जो है ना, ससुरी बर्बाद करके रख देता है सब। देखो तो हर देश का जड़ क्या, देखो नेपाल छोटा है, जनसंख्या के मामले में बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत आगे नहीं जा पाता। इसके पीछे का रीजन वहाँ का नेता, किसी भी देश की बर्बादी का कारण कौन होता है, वहाँ का नेता होता है। अरे जनता श्रम कर रहा है, तू तो आज भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था, कर रहा है, लेकिन वहाँ का जो पढ़े लिखे लोग है, जो नेता लोग है ना, वो उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। देखो सिंगापुर को लेकर चलो, जापान को लेकर चलो, छोटा होते हुए भी दुनिया में एकदम बहुत आगे चल रही है, बहुत आगे चल रही है, भारत उससे नजरें तक नहीं मिला सकता है। और ये नेपाल तो छोटा है, बात बात क्या करते हैं, नेपाल को अपना औकात दिखा देते हैं। नहीं भैया, नेपाल
नेपाल हम लोगों का अपना है, ये अगर लगता है कि अगर हम लोग साथ मिल गया रहता तो एक अपना राज्य होता नेपाल, लेकिन अलग अलग एगो देश बन गया। इस चीज को समझिए ध्यान से। देखो तो ये बोला गया है कि जो काला पानी ये नदी है इसके उद्गम 1816 में बोला गया था कि काला पानी नदी के पश्चिम वाला भाग इंडिया का और पूर्व वाला भाग किसका, नेपाल का हो जाएगा। तो इसी चीज को लेकर इंडिया ने मैप जारी किया कि लिपुलेख हमारा है, हम रोड बना सकते हैं। लेकिन जो 2019 में नेपाल ने मैप जारी किया उसमें लिपुलेख, काला पानी, ये लिम्पी लिम्पी धुरा, ये सबको नेपाल ने क्या किया अपने नक्शे में सबको दिखा दिया कि ये मेरा अपना क्षेत्र, यहाँ पर रोड बनाने के अलाव नहीं है। देखो अब इसी चीज को लेकर विवाद चल रही है इसी चीज को, लेकिन बहुत जल्दी इस मामला को क्या कर जाएंगे, सुलझा ली जाएंगी। देखो बुआ तो नेपाल बोला है कि ये सब मेरा क्षेत्र। अभी एक चीज यहाँ पर समझ लो, यहाँ देखो हाई जोन है ना, भारत सरकार ये चाह रही है कि यहाँ से अगर मान लो कि अगर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो बड़ी दूर पड़ जाइए भाई, यहाँ सिक्किम से होकर जाएंगे वहाँ पर यहाँ लिपु लेक पर तो बहुत डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो भारत सरकार हाई से होकर क्या करना चाहती है, रोड बनाना चाहती है ताकि ये क्योंकि भारत सरकार इसको अपना मानी है। इधर वाला क्षेत्र क्या है ना, इधर वाला क्षेत्र नेपाल का है 1816 के संधि के अनुसार, सुगौली संधि के अनुसार, और इधर वाला सब हिंदुस्तान का है। तो भारत सरकार मान रही है कि लिपुलेख क्या है, मेरा है, लेकिन नेपाल बोल रहे हैं कि मेरा है वो संधि गलत था, नेपाल वाले ऐसा मानकर चल रहे हैं। ठीक है, देखो नेपाल वाले ने अपना नया नक्शा जारी किया कि काला पानी वाली नदी यहाँ से गुजरी है तो यहाँ तक हमारा क्षेत्र है, इसके बाद आपका क्षेत्र है, यानी काला पानी, लिपुलेख और ये लिम्पी धुरा ये सब किस में आ रही है, नेपाल में आ रही है, वो अपने नक्शे में दिखा दी है। इसी सब चीज को लेकर क्या चल रही है, विवाद चल रही है। ठीक है ना, ये आपको मामला समझ में आएगी क्या क्यों विवाद चल रही है। इसको बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे, सुलझा लेंगे अपने आप से, क्योंकि भाई देखो नेपाल की भी जनसंख्या ज्यादा नहीं, अति करेगा तो ससुर वही जानेगा, अति कर नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि देखो हम लोग भी मिलकर रहना चाहते हैं, वो लोग भी मिलकर रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, नेपाल विवाद आपको समझ में। अब दूसरी बात है, खेसारी लाल को लेकर नेपाल में इतना विवाद क्यों चल रही है। देखो वो अभी करीबन ये लगभग 2022 के साल जनवरी में इनका स्टेट था नेपाल में, दिन में ही था, लेकिन वहां पर क्या हुआ ना कि इनसे ले जाने के लिए साइन करवा लिया गया था, लेकिन थोड़ी सी बातें जो है ना क्या हुआ ना कि कोरोना का भी कोविड-19 का ये माहौल चल रहा है, कोविड-19 का माहौल चलने की वजह से दिक्कतें आ गई और नेपाल में प्रवेश भी कर गए थे, लेकिन वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे वो सब कोविड-19 को लेकर वहाँ पर उनको जाने नहीं दिए, अलाउ नहीं दिए, स्टेट शो करने के अलाउ नहीं दिए। अब इसके पीछे जनता जो था ना वहाँ टिकट का पैसा, टिकट काट करके पैसा, मतलब पैसा दे देकर टिकट लेकर आया था लोग जनता। देखो अगर मान लो कोई खेसारी लाल स्टेट शो करने जाता है तो भाई वहां तो जो बुलाया उसको ना पैसा देना पड़ेगा, जनता से पैसा कटवाएगा। अभी नेपाल में चले गए स्टेट शो करने के लिए, और वहां पर प्रत्येक जनता को 300-500 रुपया देना पड़ता है स्टेट शो करने के लिए। यही सब जनता को अखड़ गया, 11 बजे से स्टेट शो था खेसारी लाल का, वो टाइम से जा नहीं पाए। हालांकि देखो नेपाल में गए थे, वो गए नहीं थे, नहीं गए इसका मतलब ही नहीं, गए थे नेपाल में लेकिन वो शो नहीं कर पाए, क्योंकि वहां की जो प्रशासन थी उनको रोक ली कि कोविड-19 में आप मत करिए, क्योंकि आप भोजपुरी का सुपर स्टार हीरो माने जाते हैं, और सुपरस्टार हीरो होकर अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारे देश का लेनी का देनी पड़ जाएगा। और हुआ क्या, देखो खेसारी लाल का पहले ही से शो चल रहा था, अब 12-1 बजे तक टिकट बुकिंग हो रहा था, 400-500 इन्हीं का पार्टी सब कर रहा था लोग खेसारी लाल का। हुआ क्या कि जब नहीं पहुंच पाए खेसारी लाल तो यहां का जनता उखड़ गई, नेपाल की जनता क्या हो गई, उखड़ गई। ये कहां था मालूम है, ये था नेपाल के वर्जुआ पूरा गांव में था, वहां पर कोई उत्सव था वहीं पर ये सब मतलब शो होने वाला था, लेकिन नहीं करने से क्या हुआ ना कि नहीं पहुंच पाए टाइम से तो वहाँ का जनता का भीड़ क्या होगा, बेकाबू होने की वजह से लाखों लोग आए थे वहां पर देखने के लिए, जनता उखड़ गई। और खेसारी लाल के 4-5 जो गाय स्कॉर्पियो जो था उसको तोड़ फाड़, समियाना, टेंट, कुर्सी सब तोड़ फोड़ कर दिया, और पूरी जनता वहां पर गुस्से में नजर आया है। और कुछ लड़की सब है कि खेसारी लाल रहते तो मार देते, ये गलत बात है, उनकी कोई दोस्त नहीं, ये दोस्त उनके कुछ लोगों का है। इसकी वजह से क्या भोजपुरी इंडस्ट्री को आप गाली दे रही है, भोजपुरी इतना जनसंख्या तुम्हारा नहीं है, तुम चल दिया बिहार को गाली देने, ये गलत बात है। लोग बिना सोचे समझे 400-500 रुपया देकर आए, उससे ज्यादा खेसारी लाल को नुकसान हुआ है, ये वो क्या बोले हैं, वो फिर भी जनता को प्यार दे रहे हैं। और वो ससुरी बोल रही है कि क्या खेसारी लाल होते तो उसको क्या करते, चप्पल से मारते, उसको जनता मारती था, अगर तू ही मार लो ना, अलू गलू खेसारी लाल को समझ के बैठा लोग नहीं। देखो समझनी चाहिए, उतना 2 करोड़ बहुत रखता है ना खेसारी लाल के लिए, फिर भी उस इंसान ने कुछ नहीं बोला, इसलिए बस वो अपने आप को रोष प्रकट किया कि मेरे पार्टी का दोस्त है, कोई बात नहीं है, 2 करोड़ गई कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता गुस्सा है। अरे उनमें कोई दोस्त नहीं, वो तो गायक है यार, वो सबको मनोरंजन कराते चलते, उनका काम क्या है, वो आए थे, ऐसा नहीं कि नेपाल में नहीं आता, आए थे, लेकिन वहाँ की जनता इस बात को नहीं समझ पाई। अब देखो भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं कुछ कहना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। पहली बात है भोजपुरी इंडस्ट्री क्या ना कि बस मतलब आपसे में लड़ रही है, सब अपने आपसे में लड़ रहा है, लोग वो उसको गाली दे रहा है
वो इसको गल दे रहा है। अभी एक बात याद रखिएगा, खेसारी लाल ये अपने इंडिया का सुपरस्टार बन चुके, इंडिया का सुपरस्टार, और यहाँ के हीरो लोगन जो है ना उनको दाब कर गिराना चाहते हैं, ये गलत बात है। देखो अभी ये क्या ना, ये भोजपुरी आप किसी और देश में जा रहे हैं तो भाई आपके देश का शान आ गया, देश का शान, वहाँ का लोग गरिया रहा होगा इनको, और तू लोग क्या चुस्की ले रहा होगा लोग, गलत बात है। कोई भी अगर हीरो है ना तो वो हीरो सबको एक समान नजरिए से देखे, सब कोई आगे बढ़े यार, किसी को दाबने से कोई फायदा नहीं होता है, समझ में आ रही। ऐसे भोजपुरी कलाकार को जिनका देशों तक मतलब इनका आवाज फैला हुआ, बहुत देश इनका फैन है केसरी लाल का, ऐसे ऐसे हीरो को मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि देखो यार समझने वाली बात है ये कि इनको साजिश मतलब जहां भी शो करते हैं ना लगभग वहां पर हर दंगा हड़कंप मचो ही देता है, सब मारपीट हो ही जाता है खेसारी लाल को लेकर। तो ये सब समझने वाली बातें हैं, इससे हमारे बिहार को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी और कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी नहीं करना चाहेगा। तो ये सब चीज को लेकर चलनी है हमें, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, बिहार को आगे बढ़ाना है तो आपस में लड़ना छोड़ना होगा। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य माना जा रहा है, इसके पीछे का रीजन ही आपस में लड़ना, आपस में लड़ कट के मरना, ये सब चीजें हमें भूलना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग का बिहार आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीज आपको समझ आए कि आखिर इंडिया और नेपाल के बीच विवाद क्यों चल रही है, और सच में दूसरी बात खेसारी लाल यादव को लेकर वहां पर कम क्यों मचा था, ठीक है ना। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोई और नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।